हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाका। मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की ब्रोकन बट ब्यूटीफुल बिल्कुल रिलीज होने के कगार पर है और ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना इंटरव्यू दे रहा है और क्या बोला है सिद्धार्थ ने सुनिए आप। सिद्धार्थ से जब पूछा गया सबसे चैलेंजिंग सीन, तो उन्होंने कहा कि सबसे चैलेंजिंग सीन जो था वो उन्होंने एक सीन करा है इसमें जिसमें वो ड्रंक नजर आ रहे हैं और उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं करा है एक ड्रंक सीन और वो उनके लिए बहुत मुश्किल था लेकिन साथ ही साथ मज़ेदार भी था उसको करना। इसके अलावा उनसे जब पूछा गया आप अपनी जिंदगी की किस मोमेंट को ब्रोकन बट ब्यूटीफुल से रिलेट करेंगे, तो सिद्धार्थ ने उसमें बोला कि अगर आप एक्चुअली देखना चाहेंगे तो बहुत सारी होंगी, लाइफ इज फुल ऑफ फन, अप्स एंड डाउन्स हैं और ऐसे ही जिंदगी होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए, फ्लैट होगी तो बोरिंग होगी, डेड हो जाएगी। तो हर चीज़ टूटी हुई है लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ खूबसूरत ज़रूर है, जिंदगी ऐसी ही होती है, इट्स फन। हाँ, उन्होंने एक बड़ी चीज़ बोली है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने लाइफ में खुद कभी ऐसे इमोशंस को फील करा है, तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने ऐसे जो ब्रेकअप्स होते हैं उनको फेस करा है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, मैंने गलतियां करी हैं और मैंने अपने आप को समझाया है कि मैं उन गलतियों को दोबारा ज़िंदगी में कभी रिपीट ना करूं और एंड इट्स बिकॉज ऑफ समबडी एल्स एंड आई फील दैट आई गेव इन टू मच, देन आई रियलाइज व्हाट आर अलार्मिंग बिल्स एंड आई जस्ट स्टेप बैक दैन। हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी और की वजह से जब मुझे लगा कि मैंने रिश्ते में बहुत ज़्यादा कर दिया है और मुझे लगा कि अलार्मिंग है अब ये चीज़, तो मैं पीछे हट गया। तो इन्होंने इसमें उन्होंने नाम नहीं लिया है किसी का भी। उनसे पूछा गया कि सिद्धार्थ में और आपके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर में क्या सिमिलैरिटी है, तो उन्होंने बोला टू एन एक्सटेंट बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जब जो अगस्त्य है वो अपनी लाइफ की कई चीज़ों में वही सब कुछ करता है जो शायद मैं करता, सो आई कुड रिलेट माई सेल्फ टू इट। तो दोस्तों, यह है सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का इंटरव्यू जो उन्होंने रिसेंटली दिया। वेरी एक्साइटेड फॉर इट, वेरी हैप्पी फॉर इट। हाउ मच यू आर हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर इट, डू लेट मी नो बाय राइटिंग डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। गुड बाय।